हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। सो इधर देखिए आप लोग, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा t, है ना। अगर y x का फंक्शन है, सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइक मैं आपके सामने एक फंक्शन ले ही लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x होगा, क्लियर है। पर अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू 2x एंड डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 2t। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर जब यहाँ भी 2x आ रहा है, यहाँ भी 2x आ रहा है, फिर नोटेशन में फर्क क्यों है। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ, ये टी स्क्वायर यहाँ भी लिख देता हूँ, पर यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो x है ये तो वेरिएबल है और ये जो t है ये कॉन्स्टेंट है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज टी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। पर अगर यहाँ पे एक्स और टी दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये y x पे भी डिपेंड कर रहा है और ये y t पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो t को कांस्टेंट लेंगे, और जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम x को कांस्टेंट लेंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पार्शियल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक फंक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड करता है और उसका डेरिवेटिव लेना है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे, और जब कोई फंक्शन एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि ये आपको दे रखा है u = e की पावर x y z, और आपको ये प्रूव करना है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे u है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x y और z तीनों पर डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे। तो ऑब्वियसली इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पार्शियल होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z। अगर हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और y दोनों क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, क्लियर है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, डेल u बाय डेल x, और मैं इसको x के रेस्पेक्ट, डेल u बाय डेल z, पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट। z के रेस्पेक्ट किया तो ये x y दोनों क्या हुआ, कांस्टेंट। और e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये x y z, और ये x y कहां आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे ना, कांस्टेंट आगे आ जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, है ना। e की पावर x क्या होता है, a की पावर x होता है। नाउ अब हम किसके रस्म करेंगे, y के रस्म करेंगे। तो क्या करेंगे, डेल बाय डेल y डेल u बाय डेल z इंटू डेल बाय डेल y ऑफ x y e की पावर x y z। नाउ अब यहाँ y यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, u इंटू v से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, डेल टू यू बाय डेल y डेल z, हमने क्या करा, इसको u इंटू v से किया। सबसे पहले मैंने x y को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ y e की पावर x y z, नाउ e की पावर x y z को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ x y, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, डेल टू यू यू अपॉन डेल y डेल z इज इक्वल टू एक्स वाई। नाउ ये y के रिस्म कर रहे हैं तो x और z दोनों कॉन्स्टेंट है, तो x और z क्या आएंगे, आगे आएंगे, e की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ हम y के रिस्म कर रहे हैं तो y का हो गया 1, बचा कौन, x e की पावर एक्स वाई जेड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो डेल टू यू बाय डेल y डेल z, ये e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स e की पावर एक्स वाई जेड। नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें x यहाँ चाहिए, राइट। तो हम x के रस्म करेंगे तो ये आएगा डेल बाय डेल x, नाउ x यहाँ भी आ रहा है और x यहाँ भी आ रहा, तो u इंटू v से होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, तो ये आएगा आपके पास डेल क्यूब u डेल x डेल y डेल z। तो हम इसको u इंटू v से करेंगे, सबसे पहले हमने इसको छोड़ा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस x को छोड़ा, इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो yz कांस्टेंट है यहाँ पे, तो yz आगे आ जाएगा, सो yz यहाँ आएगा e की पावर एक्स वाई जेड, एंड देन e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होएगा आपके पास 2x yz प्लस 1। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, और ये yz अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और ये बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2xyz plus 1, ना इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 1 plus 3xyz plus x square y square z square
ई की पावर एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन और लेंगे और देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई जेड पावर जेड इज इक्वल टू सी शो दैट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। आपको ये प्रूव करना है राइट। तो देखिए आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हमें यहाँ दे रखा है ये, हम क्या करेंगे दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे ना, एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई एंड जेड पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। नाउ हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो लॉग एक्स पावर एक्स लॉग वाई पावर वाई लॉग जेड पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। नाउ अब पावर की प्रॉपर्टी भी होती है, क्या होती है लॉग ए पावर एक्स क्या होता है एक्स लॉग पावर ए होता है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले ना, क्योंकि यहाँ पे अब एक बार ध्यान देने की जरूरत है कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए जेड डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई, ये जो डिनोमिनेटर में जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं और जेड इस पर क्या करता है डिपेंड करता है ना। उसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो एक्स यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, और एक्स के रेस्पेक्ट करें तो वाई को क्या कर लेंगे हम कॉन्स्टेंट लेंगे राइट। तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो हमने क्या करा इस एक्स का किया तो लॉग एक्स बचा, और इस एक्स को छोड़ा लॉग एक्स का किया तो वन अपॉन एक्स है ना, इस एक्स का वन हो गया राइट, तो ये इंटू इसी किया और प्लस ये तो जीरो हो गया। नाउ इसका करेंगे सबसे पहले हमने क्या किया जेड, तो लॉग जेड बचा जेड को छोड़ा तो ये आएगा वन अपॉन जेड, और फिर जेड का होगा हमारे पास डेल जेड बाय डेल एक्स और कॉन्स्टेंट का हो गया जीरो। सो एक्स एक्स कैंसिल सो दिस इज वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग जेड डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ उसको उधर ले जाइए आप और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं डेल जेड बाय डेल एक्स ये उधर गया तो माइनस का वन प्लस लॉग एक्स और वन प्लस लॉग जेड को हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर ये डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू है तो डेल जेड बाय डेल वाई, ध्यान दीजिए हम एक्स की जगह वाई रखेंगे जेड तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी वन प्लस लॉग वाई अपॉन वन प्लस लॉग जेड। नाउ अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि डेल टू जेड वाई, और पहले वाई के रेस्पेक्ट फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो देखिए आप यहाँ से ये वाले स्टेप में उठाऊंगा तो आपको यहाँ दे रखा है थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ डेल जेड बाय डेल वाई की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है माइनस वन प्लस लॉग वाई अपॉन वन अपॉन वन प्लस लॉग जेड, मैंने इसको ऐसा लिख दिया राइट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने क्या करा दोनों तरफ क्या लगा दिया डेल बाय डेल एक्स लगा दिया और यहाँ भी मैंने लगा दिया डेल बाय डेल एक्स राइट। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज वन प्लस लॉग वाई वन प्लस लॉग जेड। नाउ आप देख रहे हैं सो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये जो वन अपॉन लॉग वाई ये तो क्या आएगा हमारा कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन सिर्फ वन अपॉन वन प्लस लॉग जेड का होगा। एक बार ध्यान बता दूं मैं कि अगर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड का होगा और एक्स का होगा वाई कॉन्स्टेंट रहेगा है ना, और वाई का करेंगे तो वाई का होगा और जेड का होगा एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। सो हम वाई के रिस्म एक्स के रिस्म करें तो वन प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट है ना, इसका करेंगे तो वन अपॉन जेड का कितना होता है माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर और लॉग जेड का होगा वन अपॉन जेड, और यहाँ आएगा ये डेल जेड बाय डेल एक्स। नाउ डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ये वैल्यू हम वहाँ उठा के रखेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस माइनस प्लस वन प्लस लॉग वाई अपॉन वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, और डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास ये रहेगी, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये माइनस आ रहा तो मैं इस माइनस को आगे ले लेता हूँ एंड यहाँ देखा आएगा इसकी वैल्यू वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड। नाउ आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो हम क्या करते हैं यहाँ वैल्यू रख ही देते हैं है ना, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो जहाँ पर भी वाई जेड है वहाँ हम क्या रख देते हैं एक्स रख देते हैं राइट। तो क्या होगा यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स रख देते हैं, तो वाई की जगह मैं एक्स रखूँगा तो वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी जेड और जेड की जगह भी क्या रख रहा हूँ एक्स रख रहा हूँ, तो आप सब जगह एक्स एक्स रख दीजिए क्योंकि प्रूफ में भी आपको एक्स ही, तो वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स, तो ये आएगा वन प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब।
तो ये एक से ये कैंसिल हो गया, देन मैं थोड़ा जगह नहीं यहाँ रख देता हूँ. सो डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड. नाउ ये आएगा माइनस वन अपॉन, ये जो वन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी लॉग ई ई लॉग एक्स. नाउ लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है, लॉग ई एक्स. नाउ ऊपर ले जाके लिखेंगे हम. और अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू और थी, वन अपॉन जेड भी था, तो यहाँ वन अपॉन जेड आएगा और यहाँ आएगा तो एक्स और ये एक्स और ये एक्स, और इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये आएगा एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं. सो एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन है कि इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आपको ये प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे देखो, आप इसको समझने की कोशिश करिए. सबसे पहले जेड लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, किसका एसम करना है, डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई. तो वही डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई हम यहाँ निकालेंगे. तो कितना आएगा देखिए आप, सबसे पहले मैं डेल जेड बाय डेल एक्स निकालता हूँ. तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू अपॉन वी से इसका डिफरेंशिएशन होगा. तो एक्स प्लस वाई को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे तो वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. सो डेल जेड बाय डेल एक्स में यहाँ पे क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, देन प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. अब सिमिलरली देखो ये फंक्शन में एक्स और वाई को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं होगा, अगर आप एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रखें तो इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. तो इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं, क्या होगा डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जहाँ पर एक्स वहाँ वाई, जहाँ वाई वहाँ एक्स, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स, तो वही एक्स प्लस वाई ही हो जाएगा. क्लियर है? सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. नाउ अब हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, एल एच एस लेंगे, राइट? सो एल एच एस में क्या हो रहा, ध्यान दीजिए, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, राइट? तो इन दोनों को डिफरेंस का स्क्वायर लेना है. तो डिफरेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये तो क्या है, हमारा सेम है. नाउ अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये तो हो गया आपके पास टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का टू वाई स्क्वायर, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हेल स्क्वायर होल स्क्वायर. देन इस टू को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर फोर, और ये ऊपर स्क्वायर हो गया. अब थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए. सो एक्स प्लस वाई पावर फोर, तो ये दो से ये दो टर्म कैंसिल हो गई. सो इसको हम लिखेंगे फोर इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. अब हम इसका लेंगे आरएचएस. सो आरएचएस में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आरएचएस में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं इसको आरएचएस लेता हूँ इसका. सो इसका जो आरएचएस है वो है फोर वन माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू फोर, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अपन, देन ये लिखेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई. नाउ अब इन दोनों को ऐड करते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, ये आएगा फोर, और ये हो जाएगा आपके पास फोर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. नाउ ये आएगा आपके पास फोर वन माइनस, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ. सो दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. मैं इसको खोलूँगा यहाँ पे, थोड़ा स्पेस नहीं है, ध्यान देते हैं, इज इक्वल टू फोर, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो ये टू फोर एक्स माइनस में से टू एक्स वाई गया तो भाई बचा माइनस का टू एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो देखिए आप इसका जो एल एच एस और इसका आर एच एस दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंड्स प्रूव. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं. सो यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, देन इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे. सो हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, और दिस इज यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, आपको ये प्रूव करना है. सो देखिए आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम सबसे पहले वाई के रेस्प में डिफरेंशिएशन करेंगे, और अब जानते हैं वाई के रेस्प में करेंगे तो हम एक्स को कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे ये जो एक्स है ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई बाय एक्स का हम वाई के रेस्प में करें तो वाई बाय एक्स का कितना होगा वन अपॉन एक्स प्लस. नाउ यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ भी, तो यू इंटू वी से करेंगे. सो यू इंटू वी से सबसे पहले इस वाई स्क्वायर का छोड़ा इसको किया तो यह आया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो वाई नीचे आ रहा है तो इसका होगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर
प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2y tan इनवर्स x by y. Now, अब क्या होगा देखिए आप यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे और ये x से ये x कैंसिल और एक x ऊपर गया तो ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल और इसको ऊपर ले गए तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स बाय वाई. नाउ अब देखिए आप ये आएगा डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स बाय वाई. नाउ ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हुई. नाउ डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टू वाई टेन इनवर्स एक्स बाय वाई. नाउ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x. तो देखिए आप कैसे करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ. सो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई. इस x का हो गया 1 और यहाँ पे इसका 2y तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और x बाय वाई का होगा 1 अपॉन वाई. सो आप देख रहे हैं ये वाई से वाई कैंसिल देन 1 माइनस ये 2 यहाँ वाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर. सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं. तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए सो दैट कि आपको आगे की जो वीडियोज़ के वो नोटिफिकेशन मिलते रहे. और मेरे चैनल को जो भी आपको अगर लग रहा है कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. प्लस यहाँ पे जो आई टैब है जिसमें मैंने पुराने वीडियोस बहुत सारे बीएससी और इंजीनियरिंग पे अपलोड कर रखे हैं जैसे लाप्लास है, फूरियर है और डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है. सो ये सभी वीडियोज़ आप यहाँ पे मैट्रिसेस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन सब पे आप यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड कर रखें सो आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.